हेलो बच्चों, देख मेरी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है छोटी सी, तो उसने क्वेश्चन पूछा है, 10th क्लास की है। तो ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दी है, फाइंड एच एंड के दिया हुआ है, ठीक है। तो 2x plus ky equal to 3 हमें एक इक्वेशन दिया है, दिस इंप्लाइज है ना, पहला क्या हो जाएगा, x की वैल्यू दी है तो यानी कि 2 into 1 plus k की वैल्यू नहीं दी है तो ऐसे लिख देंगे, y की वैल्यू दी है तो हम लिख देंगे यहां into 3 equal to 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज 2 1s are 2 plus 3k equal to 3, this implies 3k will be equal to 3 minus 2 will be equal to 1, this implies k will be equal to 1 by 3, okay, तो बहुत सिंपल था, तो इनको टेंशन नहीं लेना, अच्छे से करना है, ठीक है। दूसरा x minus hy equal to 2 है, this implies x की वैल्यू क्या है 1, तो यहां 1 डाल दो, minus h into y की वैल्यू 3 दिया, तो यहां पे हम 3 लिख देंगे equal to 2, this implies 1 minus 3h equal to 2, this implies 3h will be equal to 1 minus 2 which is equal to minus 1, इसलिए यहां चला गया 2 यहां आ गया है ना, तो 2 जब यहां आ गया तो वहां पे 1 minus 2 हो गया, ये उधर गया तो ये पॉजिटिव हो गया, equal to क्या हो गया minus 1, this implies h equal to minus 1 by 3, बस इतना ही था है ना, okay, thank you।